अगर आप बैंक पेंशनर हैं और 100% डीन्यूट्रलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि EFBU और IBA के बीच में 100% डीन्यूट्रलाइजेशन के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जो कि 1 मार्च 1999 से लेकर के 31 अक्टूबर 2002 के पीरियड का है। उस पीरियड में जो लोग रिटायर हुए हैं उनको डीए स्टेज बेसिस पे मिलता था, जिसमें कुछ कैपिंग थी जिसकी वजह से उनको डीए काफी कम मिलता था। और ये एनोमली नवंबर 2002 के बाद दूर हो गई थी, लेकिन उससे पहले जो उस पीरियड में रिटायर हुए थे लोग, वो उन पर वो डीए की सीलिंग लागू रही, जिसके लिए बैंक मैनेजमेंट से बार बार रिक्वेस्ट की गई, लेकिन उस रिक्वेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही आईबीए ने उसमें कोई फैसला करवाया। अंत में पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में और कई हाई कोर्ट में केसेस दायर कर दिए गए, और उन केसेस के बेसिस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएफएस को भी स्टेट बैंक के केस में पूरे मामले को अलग से कमेटी बिठा करके जांच करने के लिए कहा, और उनकी जांच रिपोर्ट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट अपने फैसले पर पहुंचेगा, जिसकी अगली तिथि है 6 अक्टूबर 2023 को। उससे पहले डीएफएस ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट को देनी है, जिसमें कि स्टेट बैंक का 40 से 50% पेंशन का मामला भी है और साथ ही डीए न्यूट्रलाइजेशन का भी है, क्योंकि वो सारे मामले आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो डीएफएस भली भांति परिचित है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कठोर रुख अपना रखा है, और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस यदि आज की डेट में थोड़ा सा डरते हैं तो केवल कोर्ट के डिसीजन से ही डरते हैं, बाकी पेंशनर्स की बात तो कोई सुनता ही नहीं। और जहाँ तक EFBU और बैंक के जो वर्किंग यूनियन है, वो भी आज के डेट में अपने जायज मांगों को मनवाने में भी असमर्थ हैं, और अब तो ये स्थिति आ गई कि वो अपने चार्टर्ड ऑफ डिमांड में जायज मांग रखने को भी तैयार नहीं है। खास तौर पर जो स्पेशल पे को बेसिक पे में मर्ज करने का और उसके ऊपर सुपर एनुएशन बेनिफिट देने का, ये मामला आज भी चार्टर्ड ऑफ डिमांड में नहीं रखा गया है सही ढंग से। एक तरफ हाई कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है, जिस मैटर को हाई कोर्ट एग्जामिन कर रहा है, और डीएफएस को ये कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। उसी मामले में आनन फानन में आईबीए और EFBU ने एग्रीमेंट करके पेंशनर्स के उस मामले को, जो कि आज से 25 साल पुराना है, उसमें भी जब उसके जो गहराई में पहुंचो तो उसमें ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 100% न्यूट्रलाइजेशन उस तिथि से लागू होगा जब डीएफएस अपनी अप्रूवल देगा। अब जरा सा सोचिए कि जो व्यक्ति 1999 और 2002 के बीच में रिटायर हुए हैं, वो आज 80 साल से ऊपर हैं, 80 से 85 साल के बीच में होंगे यदि जीवित हैं। मेरे ख्याल से वो जो बैंकर्स की जो हेल्थ की पोजीशन होती है, उस हिसाब से इस ग्रुप के पेंशनर 5 से 10% ही आज के डेट में जीवित होंगे। अगर उन 5 से 10% को भी उस पीरियड का एरियर नहीं मिलेगा, तो ये जो EFBU और आईबीए का एग्रीमेंट है, ये वॉइड एग्रीमेंट है एब इनिशियो, क्योंकि जो एग्रीमेंट के पार्ट होना चाहिए थे वो पेंशनर्स की एसोसिएशन या पेंशनर भी होने चाहिए थे जो उस समय के पेंशनर्स हैं। दूसरी तरफ कोर्ट ने डायरेक्शंस दे रखी हैं डीएफएस को सही ढंग से मैटर को एग्जामिन करने के लिए। ऐसी स्थिति में डीएफएस इस 100% न्यूट्रलाइजेशन के डिसीजन
को बिगर लीगल ओपिनियन के क्लियर नहीं कर सकता। अभी एक मैसेज श्री उमेश चंद्रा जी का रूप में मिला, जिसमें उन्होंने कहा है कि शायद डीएफएस इस 100% यूटिलाइजेशन के मामले को 6 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई तक रोके हुए है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही डीएफएस इसमें कोई डिसीजन दे सकता है, या हाई कोर्ट ही इसमें डिसीजन दे देगा तो शायद डीएफएस की क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जो डिमांड की गई है वो उस पीरियड के पूरे पीरियड के एरियर के साथ 9% इंटरेस्ट पे डिमांड की गई है। और आज तक जो जुडिशरी का रिकॉर्ड रहा है या जो भारत में इस्टेब्लिश प्रैक्टिस है, तो जब कभी भी इस टाइप की एनोमलीज होती हैं तो उसमें जुडिशरी एरियर के साथ इंटरेस्ट भी पे करने के लिए ऑर्डर करती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते ही आईबीए और ईएफबीओ ने जल्दबाजी में ये एग्रीमेंट किया, जिससे कि बहुत कम लोगों को ही फायदा होगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है अब इनिशियो, और इस वैसे भी दिल्ली हाई कोर्ट का एक पुराना जजमेंट है जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉयज की यूनियन थी, एसोसिएशन थी, उसने केस किया था, और उस केस में क्या निर्णय दिया गया था, उसमें बेसिकली जो लोग 2001 में वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया था उनको वेज रिविजन का बाइपार्टाइट का बेनिफिट नहीं दिया गया था, और उनको सुपर एनुएशन बेनिफिट और बाकी बेनिफिट नहीं दिए गए थे। तो उस मामले में कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि उनको पे रिविजन का बेनिफिट के दिया जाए, उसका पूरा एरियर दिया जाए और उसमें 9% ब्याज भी दिया जाए। वही डिसीजन शायद एक प्रेसिडेंट रहेगा, और इस चीज़ को डीएफएस और आईबीए अच्छी तरह से जानती है, इसलिए उन्होंने ईएफबीओ के साथ एग्री हुए हैं। लेकिन आज तक जो भी ईएफबीओ या जो प्रेजेंट यूनियन वेज रिविजन में बाइपार्टाइट सेटलमेंट में काम कर रही हैं, वो केवल वर्किंग स्टाफ के बेनिफिट के लिए, वो भी पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं, और जो पेंशनर्स के जो सुपर एनुएशन बेनिफिट हैं उनको ताक में रख करके ही सेटलमेंट हो रहे हैं, जो कि 10th और 11th बाइपार्टाइट में आपने देखा ही होगा कि जो स्पेशल पे है उसको सुपर एनुएशन बेनिफिट के लिए शामिल नहीं किया गया है, ना ही पेंशन के लिए। तो दोस्तों, इस तरह मेरा ये मानना है कि डीएफएस इस आईबीए की रिकमेंडेशन को अभी ठंडे बस्ते में रखे हुए है, और वो जिस दिन भी दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आएगा उसके हिसाब से ही डीएफएस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, एक सोशल मीडिया में वही न्यूज़ चल रही है जिसमें कि उसने गलती से ये कह दिया नवंबर 2022 से पहले के सभी बैंक रिटायरीज का डीए न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ मालूम भी नहीं रहा होगा और ना ही उसको एनामली का मालूम है, और जो उनको समझ में आया उन्होंने न्यूज़ में निकाल दिया। अगर किसी को भी ये सोशल मीडिया का वीडियो मिलता है इसको हमेशा के लिए इग्नोर कर दीजिए। दोस्तों, इन सभी बातों पर गौर करने के बाद मेरा ये मानना है एसबीआई की पेंशनर्स के एसोसिएशन का, एसबीआई के ऑफिसर्स के फेडरेशन का ओपिनियन लेने के बाद डीएफएस की जो कमेटी बैठी हुई है वो अपना निर्णय, अपने रिकमेंडेशंस 6 अक्टूबर से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में जमा करा देगी, और आशा की जाती है कि दिल्ली हाई कोर्ट 6 अक्टूबर की सुनवाई के बाद अपना निर्णय किसी भी समय दे सके, और जो वो लैंडमार्क जजमेंट आएगा वो बैंक पेंशनर्स का भविष्य निर्धारित करेगा, खासतौर पर स्टेट बैंक के पेंशनर्स को 40-50% वाले जो गलती की गई है उसमें तो सुधार हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा।
साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित या गवर्नमेंट के स्कीम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।